तो अभी मैं हूँ जेपी नगर में, यहाँ एक कैफ़े है, बहुत सारे कैट है, उसको कैट कैफ़े कहते हैं, तो उसको दिखाते हैं, चलिए। ये है मेन रोड और ये एंट्रेंस है, सो यहाँ से हमें अंदर जाना होता है। आप लोग भी आएंगे तो यहाँ से ही अंदर जाना होगा। और ये गेट है जो बड़ा सा मेन गेट, बाहर कुछ लिखा हुआ है एंड ये स्कूटी वगैरह पार्किंग के लिए रखा है एंड आगे जाके जो स्पेस है वहाँ बैठने के लिए है। तो मैं वैसे ही वॉक करते रहा, दिखाते रहा। ये यहाँ पर आप बैठ सकते हैं आप लोग एंड वहाँ पर भी बैठ सकते हैं, टेबल चेयर से ऑर्डर कर सकते हैं खाने के लिए, देन जो भी मर्जी आप लोग खा सकते हैं। काफ़ी पीसफुल है और चेयर वगैरह भी काफ़ी स्टाइलिश है, अच्छा लग रहा था, डिसिप्लिन थे। यहाँ एक छोटा सा पेड़ है, उसके नीचे थोड़ा सा छाँव है एंड धूप के दिन में भी आप लोग छाँव में बैठ सकते हैं एंड ये आगे जाके अगेन वही चेयर वगैरह है। तो मैं वैसे ही वॉक करता रहा और ये सारा जो है डिटेल्स है, ये दूसरा एंट्रेंस है, तो आप लोग वहाँ से जा सकते हैं, पीने के लिए खाने के लिए जो भी चाहिए वो लोग आप लोग ले सकते हैं। तो कुछ देर रहना, वेट करना पड़ता है अगर अंदर ज़्यादा लोग हैं, तो हमें 15 मिनट्स का वेट टाइमिंग दिया था। उसके बाद 15 मिनट था, लेकिन हम लोग बाहर वीडियो लेते रहे तो कुछ देर रहना पड़ा, लाइक 20 हाफ एन आवर के बाद ही हम लोग अंदर जाने के लिए सोचे थे। देन हाँ, उसके बाद हम लोग अंदर गए, अंदर जाके वही खेला। तो अंदर जाने से पहले वैसे बाहर में हम लोग वैसे ही वॉक करते रहा, वीडियो लेते रहा, फ़ोटो लेते रहा, इंस्टाग्राम रील के लिए कुछ वीडियो लिए। और ये एंट्रेंस है, यहाँ आते ही आपको अंदर शूज़ वगैरह रखना पड़ता है, यहाँ से आप लोगों को अंदर जाना पड़ता है। यहाँ बैठ सकते हैं, टेबल चेयर्स है जहाँ के आप लोग खाना ऑर्डर करके बैठ के खा सकते हैं। और ये सारे कैट है, सो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के है, आप लोग खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये ब्लैक कैट है एंड खेल सकते हो। ये बहुत शांत थे एंड बहुत शांत, आप लेने से भी ले सकते हो, खेल सकते हो। एंड यहाँ तो एक को देखना, ये एकदम टेबल पे बैठे के वो लोग लोगों के बात सुन रहे थे। बड़ी अजीब से कैट है, बहुत प्यारे है। तो उनका बड़े बड़े से ये है नूम वगैरह होता है। देन यहाँ भी काफ़ी सारे बिल्लियों को खेलने के लिए जगह कुछ बना के रखा है। देन यहाँ खाने के लिए है। और ये जो कैट है ना, ये थोड़ा सा डेंजरस है, ये बहुत ज़रा वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, बट इतना नहीं है, मतलब अगर कंपेयर किया जाए वहाँ जितने कैट्स हैं उनके हिसाब से वो थोड़ा सा है, लेकिन प्यारे है बहुत। ये बड़ा सा फ़ोटो बना के रखा है, पेंटिंग ये आर्ट करके रखा। और यहाँ सारे कैट खेल सकते हैं, जंप कर सकते हैं, यहाँ आप लोग बैठ सकते हैं, बैठ के खाना खा सकते हैं एंड ये सारे काफ़ी सारे फ़ोटो तस्वीरें हैं। और उस पार्ट पे आप लोग जाके वहाँ नीचे बैठ सकते हैं, बीन बैग बीन बैग है तो उसके ऊपर बैठ सकते हैं एंड फ्लोर भी काफ़ी अच्छा है। तो क्योंकि फ्लोर में आप लोग ऐसे बैठ के भी उन लोगों से कैट से खेल सकते हैं। यहाँ एंट्री करने से पहले तो शूज़ वगैरह तो बाहर रखना पड़ता है, तो जो प्ले ग्राउंड है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन रहते हैं और यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं। देन ये दो चार कैट वगैरह ना, वो लोग वो अपना लाइक खिड़की से लाइक ग्लास से बाहर देखते रहते हैं। तो यार दिस इज़ द वाइट वन, वो उसको स्नो ही बोल रहा था मैं। देन ये लोग आके आके खेल खेल के खा रहे थे, देन अच्छा था। ये नीचे नीचे देखो, नीचे देखो कौन है, नीचे देखो, ये आना नहीं चाह रहा था, अभी आ जाएगा, देखो 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 आ गया, हाँ आ गया, आजा आजा मेरे पास, आजा 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 बिल्ली, आजा बिल्ली, आजा बड़ी बिल्ली, आजा आजा आजा, यस यस, ये जाम भी करना चाहते हैं। तो अभी मेरे साथ बैठेंगे, बैठ के खेलेंगे। तो मैंने ग्लास पहन लिया, मुझे अच्छा लगता था स्टाइलिश रहना, हमेशा स्टाइलिश रहना ज़रूरी होता है। तो कैट भी समझेंगे कि हमें देखने स्टाइलिश लोग आ रहे, तो ये है, कभी कभी पहनता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। देखो देखो ये जो क्या है, वो सोफ़ा है ना, सोफ़ा ही बोलते हैं, पता नहीं क्या है, मुझे इसमें बैठ के तो अच्छा लगा, मैं थोड़ा सा लेट भी गया था। देखो देखो हम लेट गए, आराम से बैठ के रहा, कैट के साथ खेल रहा था। तो प्रीति मेरा वीडियो ले रही है, प्यारी सी मेरी बीवी आयु, हाँ वो बीवी फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रही है। देन हाँ ये वाइट एंड ब्राउन है, उसको उसका नाम मैं भूल गया एक्चुअली, लेकिन सभी प्यारे हैं। और वहाँ के जितने स्टाफ हैं वो लोग भी प्यार से बात करते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं। एक लड़के मिले अरुणाचल से, हमारे घर के पास के ही है,
हम लोग तो आसाम से है, शी इज़ फ्रॉम द अरुणाचल। एंड देखो देखो क्या कर रहे हैं, आराम से। वाह ओके ओके देखो 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 आइयो, हाँ जंप कर दिया उस तरफ। हाँ आते हैं जाते हैं ऐसे ही खेल रहे हैं। बिल्ली प्यारी प्यारी बिल्ली है। ओके तो बहुत सारे लोग आए हैं दूर दूर से, एंड बहुत सारे कपल्स आए हैं खेल रहे थे, एक लाइक फैमिली भी आए हैं। हम लोग मिले थे बात तो नहीं हो पाए, लेकिन एक फैमिली थे द पर्सन एंड हिज वाइफ, उसके बाद उनके डॉटर्स थे, काफ़ी दो तीन थे। मेरे डॉटर्स ही हो गए मेरे ख्याल से। और एक देखो देखो ऊपर है उसको, वो ऊपर बैठे हुए, वो बहुत स्मार्ट है एक्चुअली। वो सोच रहे हैं कि चलो मैं नीचे जाऊंगा तो सब लोग मेरे साथ खेलेंगे, तो मैं ऊपर से ही देखता रहता हूँ कौन कौन खेलता है नहीं खेलता। एंड दैट कैट वॉज स्लीपिंग एंड टेकिंग रेस्ट, एंड हम लोग यहाँ बैठे। और देखो 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 कितना प्यार ले रहा है, आइयो ये बिल्ली स्मार्ट है। ये ब्राउनी है, उसको मैं हम लोग ब्राउनी बोल के बुलाते थे उस दिन, वैसे नाम कुछ अलग थे। तो वो वहाँ ऊपर एक बड़ा सा बड़े अक्षर में लिखा भी हुआ है कैफ़े का नाम, तो अच्छा है। उन लोग का क्या इंस्टाग्राम में भी काफ़ी सारे फॉलोअर्स है, लाइक 35,000 से भी ज़्यादा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हुआ तो। तो देखो 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 ये ऐसा है, क्या क्या देख रहे हैं, वो सोच रहे क्या है, मैं तो गोड में आ गया। दिन में समझा रहा था, देखो देखो बाहर, देखो बाहर कितने सारे लोग हैं आ रहे हैं आप लोगों को देखने के लिए। सो बिकॉज ऑफ यू गाइज वी आर ऑल हियर। देन वो लोग समझ पा रहे या नहीं मुझे आई डोंट थिंक उन लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कुछ समझा रहा हूँ। तो बिल्ली देखो 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 ये लोग बैठे हुए हैं, उनके लोगों के आसपास भी होगा, कहाँ है कहाँ है यहाँ है। ये दो, एक तो खाना खा रहा है, खाना खाने में वो बिजी है, एक सोच रहे क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैं तो ढूंढ रहा कौन कौन कहाँ पर हो, एक बार मुझे टच करना है, तो देखना है कौन से बिल्ली है। तो हर मैक्सिमम ऑल द बिल्ली मैंने ली है गोद में, तो उसको प्यार कर दिया ऐसे ही। एंड देखो ओके ये ब्लैक बिल्ली है, देन वो ब्राउनी है, उसको भी लेके आके मैं बीन बैग के ऊपर बैठा थोड़ा सा, तो उसके बैठ के ऐसे ने सहला रहा था, बैठो 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 मेरे साथ बैठो, तो बैठ रहे थे। एंड ये सारे लोग बैठे हुए हैं, आई मीन मोस्ट ऑफ देम आई थिंक दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। आज तो सांदे है इसलिए वहाँ आए हैं लाइक आके बैठ के। एक बात तो सही है, आप लोग वहाँ जाओगे तो यू विल फील रियली हैप्पी, क्योंकि वो सारे जितने भी जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड और जितने कैट हैं वो सारे भी बहुत शांत के शांत स्वभाव के हैं। उसके बाद ओनर्स वगैरह दे आर रियली गुड, एंड जो काम कर रहे हैं दे आर ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन। तो आप लोग भी आ सकते हैं, आके कैट के साथ चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। That would be a very good time, and आइए ज़रूर आइए, अच्छा जगह है, प्लेस अच्छा है, then owners are there also good, so please stay. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, bye bye.